केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राजधानी पटना के शास्त्री नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान लोगों को वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का कारवां मुजफ्फरपुर जिले के रामबाग और मालीघाट चौक पर लोगों को केंद्र संचालित योजनाओं के बारे में जागरूक कर रहा है। कार्यक्रम के तहत मोदी की गारंटी वाली रथ लाभार्थियों के बीच पहुंच रही है। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का भी शपथ दिलाई जा रही है। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। मेरा कमलेश कुमार नाम है। ये प्रधानमंत्री जी को अति आयुष्मान कार्ड बना है मेरा, और मेरा यह सुहाग है कि प्रधानमंत्री जी को मेरा अति बन गया है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। मैंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपया लोन लिया था जो चल रहा है, इससे मैं अपना जो भी रोजगार है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें गरीब लोगों को बहुत सारा उत्साह मिलता है आगे बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरह से मदद मिल रहा है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।